बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर सोमवार को नेपाल यात्रा पर गए पीएम मोदी शाम तक भारत लौट आए और उन्होंने यूपी के लखनऊ में योगी सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में मंत्रियों के विभाग के बारे में रिपोर्ट लिया और वे काम कैसे करते हैं इस पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से विभागों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने पर भी बात की और कहा भ्रष्टाचार पर लगाम जरूरी है, जनता से जुड़ी फाइलों को तत्काल निस्तारित किया जाए, सिंगल विंडो सिस्टम रखा जाए। प्रधानमंत्री ने जिलों में तैनात मंत्री समूह की रिपोर्ट के बारे में भी चर्चा की। जिलों के मंडल प्रभारी और मंत्री समूह के जिले के दौरे का फीडबैक लिया और पूछा कि जिलों की क्या रिपोर्ट है, वहां अफसर और अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनी जा रही है या नहीं। पीएम मोदी ने मंत्रियों को काम कैसे करना है इसको लेकर जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने अपने सार्वजनिक जीवन के बारे में भी चर्चा की और काम करने का तरीका भी मंत्रियों को बताया। सभी मंत्रियों से एक एक कर प्रधानमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया गया। संकल्प पत्र के वादों को लेकर भी मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने बात की। 4 घंटे से अधिक वक्त तक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास पर रहे और मंत्रियों के साथ रात्रि भोज में भी शामिल हुए। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।